हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो अगर आप हमारे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हो तो आपको तो पता ही होगा दैट वी आर ऑन अ रोड ट्रिप फ्रॉम कोलकाता टू नेपाल। तो नेपाल सीरीज का ये हमारा 5th व्लॉग है और इसके पहले जो 4 व्लॉग्स हमने अपलोड किए हैं उसमें हमने दिखाया आपको कि हम कोलकाता से गाड़ी लेके नेपाल कैसे पहुँचे। हम जनकपुर का टूर भी किए, सभी डिटेल हमने व्लॉग में डाल दिए हैं। और फिर हम गाड़ी लेके पहुँचे काठमांडू। रोड कंडीशंस वर नॉट दैट गुड, तो हमने वो अपडेट भी आपको व्लॉग्स में दे दिए हैं। तो इस व्लॉग में हम आपको ले चलेंगे काठमांडू फिर से। इसके पहले का जो व्लॉग था हमने आपको दिखाया व्हाट वी टूर इन काठमांडू। तो हम पहले चले गए थे दरबार स्क्वायर और फिर आपको थामेल दिखाए और फिर आपको लेके चले गार्डन ऑफ ड्रीम्स। सो प्लीज गो बैक एंड वॉच द काठमांडू पार्ट 1 व्लॉग। अगर आप हमारे चैनल में नए हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय ऑल आवर रोड ट्रिप्स अलोंग विद अस। तो इस व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे द नाइट लाइफ ऑफ हैपनिंग थामेल और फिर हम आपको लेके चलेंगे द हिस्टोरिक प्लेस ललितपुर और फिर हम चलेंगे टूवर्ड्स द बुद्धा स्तूपा। तो चलिए चलते हैं, लेट्स एंजॉय काठमांडू टूर अलोंग विद अस। तो चलिए, हम हमारे नेपाल सीरीज के सारे व्लॉग्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं आपके लिए, ताकि आप उसको देख पाओ और आपको कंटिन्यूएशन इजीली समझ में आ जाए। सो प्लीज डू गो एंड वॉच दोज व्लॉग्स एंड ड्रॉप इन योर वैल्यूएबल कमेंट्स। तो हम हमारा डे 2 शुरू किए फर्स्ट विद अ ट्रिप टू ललितपुर। होटल में ब्रेकफास्ट करके हम एक टैक्सी ले लिए जो हमें अबाउट 20 मिनट्स में पहुंचा दिया। ललितपुर is located about 9 kilometers from Thamel towards the south of Kathmandu. So we are right now at Patan Lalitpur. So Lalitpur is the outside area and the Patan is inside. So this is 250 Nepali rupees per ticket. So we have purchased our ticket and Arav doesn't need a ticket because he's 7-year-old. So let's go inside and explore this place. Come. Lalitpur पहले एक इंडिपेंडेंट किंगडम हुआ करता था एंड स्टिल मेंटेन्स अ वेरी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। काठमांडू के कंपैरिजन में इट इज मोर रस्टिक, लेस फ्रेंटिक एंड इन अ नेपाली सॉर्ट ऑफ वे बोहेमियन। ललितपुर इज अ सिटी ऑफ आर्ट। हालांकि ललितपुर का दरबार स्क्वायर इज नॉट एज ग्रैंड एज काठमांडू, बट डेफिनेटली इट्स आर्टिस्ट्री एंड क्राफ्टमैनशिप इज मोर रिडिफाइंड एंड एक्सक्विजिट। इस दरबार स्क्वायर का हाईलाइट है द रॉयल पैलेस। इस पैलेस को 17th सेंचुरी में बनाया गया था एंड सब्सिक्वेंटली रिबिल्ड ट्वाइस ड्यूरिंग द गोरखा इन्वेशन ऑफ 1769 एंड द 1934 अर्थक्वेक। हम जहाँ खड़े हैं इसको मूल चौक बोलते हैं। दिस गिल्डेड डोर इज फ्रॉम द ओरिजिनल पैलेस एंड फ्लैंक्ड बाय स्टैच्यूज ऑफ इंडियन रिवर गॉडेसेस यमुना एंड गंगा। गंगा इज सीन राइडिंग मकरा विच इज अ माइथोलॉजिकल इंडियन क्रीचर। मूल चौक इज अ साइट फॉर सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स ड्यूरिंग पूजास। मूल चौक देख के हम प्रवेश किए सुंदरी चौक। तुषाहिति इनसाइड द सुंदरी चौक इस पैलेस का रॉयल बाथ था। ब्यूटिफुली कार्व्ड इनटू द ग्राउंड ये बाथ के चारों ओर आर स्टैचूज ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। इसका वाटर स्पाउट इज मेड ऑफ ब्रास एंड इज डेकोरेटेड विद शिवा एंड पार्वती। द टब इज फाइनली गार्डेड बाय 2 सर्पेंट्स। द रूम्स अराउंड द कोर्टयार्ड हैव ऑर्नेट विंडोज एंड एक्सक्विजिटली कार्व्ड वुडवर्क अराउंड डोर्स। तुषाहिति देख के हम बाहर आ गए ऑन द पैलेस कोर्टयार्ड्स जहाँ है द रॉयल पॉन्ड जो कि रिचुअल के टाइम पे यूज किया जाता था। कोर्टयार्ड से हम प्रवेश किए द रॉयल पैलेस। रॉयल पैलेस के सेंटर में ही था तलेजु भवानी मंदिर।
Notice the two statues of lions at the entrance gate. This is typical of Lalitpur architecture. पैलेस देख के हम प्रस्थान किए सुनहरा मंदिर देखने। On the way, you will be able to see two key sites. पहला है मंगाहिती, जो कि काठमांडू वैली का लार्जेस्ट संकिन टैंक फॉर पब्लिक बेडिंग। और दूसरा इसके ठीक ऑपोजिट में है एक टू स्टोरी टेंपल डेडिकेटेड टू भीमसेन, हु इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ ट्रेडिंग बाय द नेवारी पीपल। 5 minutes वॉक करके हम लोग पहुंच गए गोल्डन टेंपल। इट्स एक्चुअल नेम इज हिरण्यवर्णा महाविहारा, जो संस्कृत में स्टैंड्स फॉर गोल्डन मॉनेस्ट्री। ये एक 3-tiered पैगोडा स्टाइल टेंपल है, जो ऑक्यूपाई करता है ख्वाबहल कोर्टयार्ड का एक साइड। 12th सेंचुरी में बनाया गया ये बुद्धिस्ट नेवारी मॉनेस्ट्री आज भी एक्टिव है। इस टेंपल का गिल्डेड फैकाड एम्बॉस्ड विद इमेजेस ऑफ बुद्धास एंड तारास इज कंसिडर्ड द लार्जेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर्टवर्क इन नेपाल। कोर्टयार्ड के सेंटर में देयर इज अ लैविशली ऑर्नामेंटेड श्राइन व्हिच कंटेन्स स्वयंभू चैत्य इन बोथ गोल्ड एंड सिल्वर। बोथ श्राइन और टेम्पल के छत पे देयर आर लॉन्ग मेटेलिक स्ट्राइप्स कॉल्ड पटाकास, विच आर मेंट टू एक्ट एज स्लाइड्स फॉर गॉड्स टू डिसेंड फ्रॉम हेवन एंड आंसर द प्रेयर्स ऑफ द डिवोटीज। गोल्डन टेंपल देख के हम निकल पड़े पटान की गलियां एक्सप्लोर करने। वी फर्स्ट सॉ थांका पेंटिंग स्कूल, देन ज्वेलरी मेकिंग एंड शॉप्स सेलिंग स्टैचूज एंड फिगरिंस ऑफ हिंदू डीटीज। एंड फाइनली वी वर टेकन टू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोर सेलिंग व्हाट अपीयर्ड टू बी लार्ज बोल्स। ये उसका दोस्त है वो। देखिए और ये साउंड और कैसा हमारा बॉडी में हिल करता है। और ये देखिए ये सुनिए और ये आपका प्लीज मैडम जी आपके हाथ में रखिए तो हाथ में ऐसा ऐसा और सुनिए उसमें सुनिए साउंड नहीं नहीं साउंड साउंड उसमें मत छुइए इसमें। अच्छा और ये साउंड सुनिए और वो कुछ सेकंड के लिए बजेगा और जाएगा क्योंकि ये जो आइए नेपालीज बोल थेरेपी का एक डेमोन्स्ट्रेशन लेके हम लोग वापस से पटान दरबार स्क्वायर के भीतर से चलते चलते पहुंच गए टैक्सी स्टैंड। ये जो टेंपल है ये एकदम आखिर में बनाया गया था और इसका नाम है च्यासीन देवाल। ललितपुर दरबार स्क्वायर देख के हम लोग चल पड़े बौद्धनाथ स्तूपा देखने।
सो आई हैव रीच्ड द बुद्धा स्तूपा आफ्टर विजिटिंग ललितपुर एंड लेट्स टेक अ लुक हियर. बौद्धनाथ स्तूपा इज लोकेटेड अराउंड 11 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट आउटस्कर्ट्स ऑफ काठमांडू. ये एक मैसिव मंडला आर्ट है और खाली नेपाल का ही नहीं, इस पृथ्वी का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्फेरिकल स्तूपा है. सो वंस यू रीच द बुद्धा स्तूपा यू आर सपोज टू टेक अ राउंड ऑफ दिस एंटायर स्तूपा एंड देन ओनली यू आर सपोज टू लीव दिस प्लेस. सो वंस यू आर एट काठमांडू मेक श्योर दैट यू विजिट द बुद्धा स्तूपा. बौद्धनाथ स्तूपा का सर्वोच्च हाइट है 36 मीटर्स और ये स्तूपा इज सेड टू कंटेन द रिमेन्स ऑफ कसप्पा बुद्धा. इस जगह के आसपास काफी संख्या में तिब्बती माइग्रेंट्स सेटल किए थे जिन्होंने अराउंड 50 गुम्फास कंस्ट्रक्ट किए हैं. एज ऑफ 1979 दिस स्तूपा इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. द आईज ऑफ बौद्धनाथ हैज बिकम एन आइकॉन of Kathmandu. The vibe of the place is one other thing to experience along with the spectacular vistas of the stupa in setting sun. There is a ticket to Bodhanath stupa. It is 400 for foreigners and 100 for Sark citizens. Yahan kafi sare cafes and eateries hai around the stupa that serve Tibetan cuisine. You can just sit in one of them and immerse yourself in the holy environs. Devotees walk around the stupa in clockwise circles, chanting their prayers and counting their beads. तो हम लोग बहुत सुने थे थामेल नाइट लाइफ के बारे में. तो एक शाम हम आ गए थामेल चेकआउट करने. उसके बाद डिनर के भी प्लान्स थे. Tamil's night life is quite exciting. तो हम लोग चले आए हैं यहीं पे डिनर करेंगे और थोड़ा सा घूमेंगे एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय द वाइब्स हियर एंड देन गेट बैक टू द होटल. तो अगर आप आते हो और तमिल के आसपास ही रह रहे हो डू कम हियर एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस एट नाइट एंड ऑल्सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फूड ऑप्शन एंड रेस्टोरेंट ऑप्शन हियर विच यू कैन ट्राई आउट. तो चलिए चलते हैं. तमिल पहुँच के देखे that there was plenty of arrangement for tourists to have a good time. There was shopping, there were restaurants, pubs, nightclubs, all well lit. Hum log ek restaurant chale gaye jahan pe open air dining aur live music play ho raha tha. We had become such fans of Mewari Thali that we ordered the same. Overall, Tamil nightlife was a good experience. अगर आप काठमांडू आते हो तो ट्राई एंड एक्सपीरियंस द थामेल नाइट लाइफ एज वेल. Done with our Kathmandu trip, and in Kathmandu we spent almost 3 days and 2 nights and had a very great time here. Went to a lot of places, explored the food here, the places here. So I hope you have liked the vlog. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you very soon in our next vlog. Take care till then. Bye.